हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग डीसी मोटर का जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका फर्स्ट सीरीज आप देख चुके होंगे या फर्स्ट पार्ट आप देख चुके होंगे, जिसमें कि हम डीसी मोटर के बारे में जाने थे कि डीसी मोटर क्या होता है और साथ ही साथ उसके वर्किंग प्रिंसिपल को हम पढ़े थे और एनिमेशन के थ्रू हम कंप्लीट विजुअलाइज किए थे, जिससे कि उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वह आप लोग को कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा, उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज का जो यह वीडियो है वह लेक्चर नंबर 2 है डीसी मोटर का, जिसमें कि हम डीसी मोटर में जो टॉर्क इक्वेशन होता है उसका डेरिवेशन को देखेंगे कि डीसी मोटर का जो टॉर्क इक्वेशन है उसको हम किस तरीके से डेराइव करते हैं। तो डायरेक्टली हम टॉर्क इक्वेशन के डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, उससे पहले हम टॉर्क इक्वेशन को डेराइव करने में जो जो फार्मूला या जो जो टर्म का हमको रिक्वायरमेंट होगा उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे, उसको हम थोड़ा ड्राइव कर लेंगे। इसलिए आप थोड़ा पेशेंस बनाकर इस वीडियो को देखें, क्योंकि जब आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको टॉर्क इक्वेशन डिराइव करने के लिए रटना नहीं पड़ेगा। आप क्लियरली खुद से एक से दो ट्राई करिएगा, एक से दो बार अगर आप ट्राई करिएगा तो आप खुद से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बिफोर ड्राइविंग द टॉर्क इक्वेशन फर्स्ट वी हैव टू ड्राइव द पावर फार्मूला। सबसे पहले हमें टॉर्क इक्वेशन को डिराइव करने से पहले हमको पावर फार्मूला को डिराइव करेंगे। उससे भी पहले पावर फार्मूला को डिराइव करने से पहले हमें वर्क, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो उससे पहले हमें वर्क को निकालना होगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि लीनियर मोशन के केस में जो वर्क होता है वो क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है कॉस थीटा, इसका जो मल्टीपल होता है उसको हम वर्क कहते हैं। लेकिन यह किस में, लीनियर मोशन में, मतलब रैखिक गति अगर हम कर रहे हैं, हिंदी में बोले तो रैखिक गति में। लेकिन मोटर में तो लीनियर मोशन होता नहीं है, मोटर में क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है। तो रोटेशनल मोशन में जो वर्क होता है वहां पर जो वर्क होता है वो टाउ इंटू थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बट एज यू सी हेयर टू फाइंड द रोटेशनल मोशन, सो हेयर वर्क डन ऑफ रोटेशनल मोशन इज डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू, यहाँ पर इसको टाउ कहते हैं और ये जो है वो थीटा है। यहाँ पर दोनों फार्मूला सेम ही है, बस तो यही अंतर है कि जहाँ पर हम लीनियर मोशन में फोर्स ले रहे थे, फोर्स इज इक्वल टू एफ, वहाँ पर हम रोटेशनल मोशन में वहाँ पर टॉर्क लेते हैं, और जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए वहाँ यस ले रहे थे वहाँ पर यहाँ पर हम थीटा ले रहे हैं। थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए इसमें, यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं कि टाउ जो है वो टॉर्क है, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू जो है वो वर्क डन है। अब हम जानते हैं पावर के फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कार्य करने की जो क्षमता होता है उसको हम पावर कहते हैं, मतलब पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। यहाँ पर डब्ल्यू का वैल्यू क्या था, डब्ल्यू का वैल्यू टाउ इंटू थीटा है, तो वही लिखेंगे टाउ इंटू थीटा, डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपॉन टी। अब थीटा बाई टी को हम ओमेगा कहते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, लेकिन यह लीनियर के केस में। लेकिन जब हम यहाँ पर हम एंगुलर पढ़ रहे हैं, रोटेशनल पढ़ रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर जो ओमेगा है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी को, और उसका वैल्यू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, टी है जो टाइम है, तो इसीलिए इसको हम टी ओमे या टाउ ओमेगा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पावर इक्वल टू टाउ ओमेगा होता है। अब देखिए, जहाँ पर ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी है, जब एंगुलर वेलोसिटी है तो इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा के यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। अब देखिए, अब हम यहाँ पर ओमेगा का जो है उसका वैल्यू निकालेंगे कि ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो 2πn/60 जो होता है, ओमेगा का वैल्यू 2πn/60 होता है, वो कैसे आता है उसको हम यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि कंसिडर अ डिस्क विच इज रोटेटिंग विद स्पीड nrpm। सो डिस्क में देखिए, यहाँ पर यह जो हम एक डिस्क कंसिडर कर लेते हैं जिसका कि रोटेशन जो इसमें है वो nrpm, मतलब कि n रोटेशन कर रहा है एक मिनट में, तो वही कर रहा है कि सो डिस्क में एक n रिवॉल्यूशन या रोटेशन जो भी कहिए, रिवॉल्यूशन जो है वो 60 सेकेंड में कर रहा है, तब यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन क्या होगा, 60/n सेकेंड। जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे चार आम का दाम अगर 20 रुपया है तो वहाँ पर एक आम का दाम क्या होगा, 20/4, इसी तरह से करा है कि n रिवॉल्यूशन जो है वो 60 सेकेंड में होता है, तो एक रिवॉल्यूशन कितना होगा, 60/n सेकेंड। तो अब देखिए इसी में कि एज वी नो डैट टाइम टेकन बाय डिस्क टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड क्या होता है कि डिस्क का जो एक रिवॉल्यूशन होगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह जो है 60 अपॉन एन, यह क्या है, एक रिवॉल्यूशन का ही वैल्यू है। यहाँ पर टी इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन एन। अब देखिए इसी में, एंड ऑल्सो इन वन रिवॉल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्क इक्वल टू 2π होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना होगा, टोटल एंगल डिस्क का कितना होता है, एक सर्किल का 360 डिग्री होता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसमें कितना होगा 360, तो 2π, पाई का वैल्यू 180 होता है, तो 2 × 180 करेंगे तो 360। तो यहाँ तक आपको यहाँ से यह पता चल रहा होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो 2π होगा। अब देखिए यहाँ पर से ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है। पीछे हम देखे थे कि ओमेगा जो होता है वो थीटा अपॉन टी होता है, जहाँ थीटा जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए यहीं पे, यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और टी दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, तब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू क्या था, 2π, तो 2π दे दिए, और टी का वैल्यू क्या है 60 अपॉन n, तो 60 अपॉन n दे दिए। अब जो यह n है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2π n/60। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू हम डिराइव कर लिए, 2π n/60 हुआ। अब देखिए हम, जैसा कि हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इजकल टू टाउ इंटू ओमेगा था, तो उस केस में देखिए टाउ तो यहाँ रह गया, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 2π n/60, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, टाउ इंटू 2π n/60। अब देखिए अब हमारा जो है वह टॉर्क इक्वेशन यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि मोटर के, डीसी मोटर के केस में कुल मिलाकर तीन तरह का टॉर्क होता है। पहला होता है आर्मेचर टॉर्क, दूसरा टॉर्क होता है शाफ्ट टॉर्क, और तीसरा टॉर्क होता है वो लॉस टॉर्क होता है। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे आर्मेचर टॉर्क, और आपको एग्जाम में अगर पूछता है तो जनरली आप आर्मेचर टॉर्क ही डिराइव करेंगे। अगर आपको अधिक टाइम मिल रहा है तो उस केस में आप तीनों को भी डिराइव कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्मेचर टॉर्क डिराइव हो जाता है तो शाफ्ट टॉर्क और लॉस टॉर्क बहुत ही आसान है उसको निकालना, उसका वैल्यू को। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम डिराइव करते हैं। तो कर आई लेट टाउ ए विद द टॉर्क डेवलप बाय द आर्मेचर ऑफ डीसी मूविंग एट एन रिवॉल्यूशन। डीसी मोटर के द्वारा एन रिवॉल्यूशन जब होता है तो उस समय जो टॉर्क डेवलप होता है उसका वैल्यू जो है वो टाउ ए है। अब देखिए टाउ ए इज द न्यूटन मीटर, देन मैकेनिकल पावर डेवलप मोटर आर्मेचर इज गिवेन बाई। तो उस केस में जो मैकेनिकल पावर होता है वो क्या होता है, पावर का फॉर्मूला हम पीछे निकाले थे, इसीलिए हम ये सब चीज़ को ड्राइव किए थे, ताकि आपको यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट बताते तो आपको थोड़ा पता नहीं चलता कि एक वैल्यू आया तो आया कहाँ से। इसीलिए तो पी पावर का फॉर्मूला पीछे निकाल लिए, तो वहाँ पर वैल्यू आया था 2π n/60, तो वही यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ आर्मेचर टॉर्क जो है वो उस कंडीशन में हम पी मैकेनिकल निकालेंगे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। अब देखिए बट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मैकेनिकल पावर इन मोटर आर्मेचर इज, उस केस में क्या होगा, पी मैकेनिकल बराबर होता है EB × IA। जैसे कि आपको पता होगा जो पावर का एक और फॉर्मूला होता है, पावर बराबर क्या होता है, V × I। तो यहाँ पर EB को अगर आप V की तरह देखें और IA को अगर हम I की तरह देखें, तो यहाँ पर भी हम पावर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो पावर मैकेनिकल का फॉर्मूला हो गया EB × IA, जहाँ पर EB जो है वो क्या है, बैक EMF है। तो बैक EMF जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि बैक EMF क्या होता है। तो अभी इसको आप मान के चलिए कि पी मैकेनिकल का जो फॉर्मूला होता है, एक ये भी फॉर्मूला होता है EB × IA, जो कि जो हमारा कन्वेंशनल फॉर्मूला होता है P = V × I, उसी से ये लिया गया है। अब देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तब इस केस में जब देखिए पी मैकेनिकल दोनों में है, तो दोनों का वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर हम दोनों को इक्वल करते हैं फ्रॉम एक और दो इक्वेशन से, तब देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 2π n (tau a/60), इसको इधर रखें, EB × EB × IA। अब देखिए यहाँ जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, टाउ ए का वैल्यू 60 अपॉन 2π EB × IA/N। यहाँ पर 60 अपॉन 2π का जो हम डिवीजन करेंगे तो उसका वैल्यू हमारा आएगा, वो आएगा 9.55। यहाँ पर EB × IA रह गया n, यहाँ इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 माने हैं। अब देखिए इसका आगे का कंडीशन, तो यहाँ पर आर्मेचर टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया, 9.55 यहाँ पर आया था EB × IA। तो EB × IA को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल पावर। पीछे का इक्वेशन नंबर 2 से आप देखिए कि यहाँ पर EB × IA को हम मैकेनिकल पावर कहते हैं, और n जो था वो स्पीड ऑफ मोटर था। तो यहाँ पर से हमारा जो है वो आर्मेचर टॉर्क का एक वैल्यू निकल गया। सिंस वी नो डैट EB = P φ Zn/60, ये आप जानते हैं कि EB का जो वैल्यू होता है P φ Zn/60। तो ये कहाँ से आया, तो इसका वैल्यू जब हम डीसी जनरेटर पढ़ा रहे थे तो उस केस में हम EMF को डिराइव किए थे, तो वहाँ पर यही वैल्यू आया था P φ Zn/60, तो वही टर्म यहाँ पर यूज किया गया है।
अब देखिए कर रहा है क्या कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ईवी इन इक्वेशन नंबर थ्री। तो इक्वेशन नंबर थ्री क्या था, देखिए आपको हम दिखा देते हैं एक बार और फिर से। इक्वेशन नंबर थ्री हमारा यही ना आया था कि टावे इज कल टू 60 अपॉन 2 पाई ईवी इंटू आईए अपॉन एन या 9.55 ईवी इंटू आईए अपॉन एन, इसी को इसमें जो है ईवी का वैल्यू हम पुट कर देंगे तब इसका जो वैल्यू आएगा वो पी फाइव, यहाँ ईवी की जगह पर पी फाइव जेडन अपॉन 60 लिख देंगे और यहाँ पर आईए इंटू एन। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तब क्या होगा कि टाउ ए इजकल टू 9.55 को 60 से जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 0.159। और इसको अच्छा से रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम 5 को लिखेंगे फिर आईए इंटू पी जेड अपॉन ए। तो ये जो हमारा हुआ वो फाइनल हमारा जो है आर्मेचर टॉर्क का डेरिवेशन यहाँ पर इंड होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको 0.159 पी जेड और ये तीनों टर्म जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तब अब जो अगर इसको हम कांस्टेंट मानते हैं तब यहाँ पर टाउ ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई इंटू आई ए से, मतलब कि टॉर्क का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा फ्लक्स पर और आर्मेचर करेंट पर। तो अब देखिए तो यहाँ पर जो हमारा है वो आर्मेचर टॉर्क का डेरिवेशन हो जाता है इंड। तो शाफ्ट टॉर्क क्या होता है, तो शाफ्ट टॉर्क वैसा टॉर्क है जिसके थ्रू कोई भी जो ड्राइव होता है उसका मैकेनिकल लोड को हम मूव करते हैं। तो जो मैकेनिकल लोड को मूवमेंट के लिए जो टॉर्क का आवश्यकता पड़ता है उसको हम शाफ्ट टॉर्क कहते हैं। वही यहाँ पर लिखा गया है द टॉर्क विच इज अवेलेबल फॉर द ड्राइव, मतलब ऐसा टॉर्क जो ड्राइव मैकेनिकल ड्राइव के लोड को मूव करने के लिए जो अवेलेबल होता है उस टॉर्क को हम शाफ्ट टॉर्क कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि मैकेनिकल आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू शाफ्ट टॉर्क इज नोन एज यूजफुल आउटपुट, मतलब कि मैकेनिकल आउटपुट जो होता है शाफ्ट पर उसको वह यूजफुल आउटपुट होता है। हाँ तो अब देखिए यहाँ पर शाफ्ट टॉर्क का जो वैल्यू आएगा वो 9.55 इंटू यूजफुल आउटपुट पावर बटा में मोटर स्पीड। जैसा कि आप पीछे भी देखे थे कि आर्मेचर टॉर्क का जो भी फॉर्मूला आया था उसका भी वैल्यू था 9.55 इंटू, वहाँ पर था वो क्या था, मैकेनिकल पावर था और बटे में उसका मोटर का स्पीड था। तो वही यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर ही देखिए आपका शाफ्ट टॉर्क जो था वो भी प्रूफ हो गया, उसका भी वैल्यू आप लिख दिए। अब हमारा जो है वो लॉस्ट टॉर्क, तो देखिए लॉस्ट टॉर्क क्या होता है, नाम से पता चल रहा है लॉस्ट मतलब कि कुछ कमी होगा। तो कमी क्या, जो आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क के बीच का जो डिफरेंस होता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लॉस्ट टॉर्क कहते हैं। तो वही लिखा गया है द डिफरेंस बिटवीन द आर्मेचर टॉर्क को हम टाउ ए से रिप्रेजेंट किए थे एंड शाफ्ट टॉर्क को टी एस एच से रिप्रेजेंट किए हैं इज नोन एज लॉस्ट टॉर्क, मतलब दोनों आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क के बीच के डिफरेंस को हम लॉस्ट टॉर्क कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर्मेचर टॉर्क टाउ ए माइनस शाफ्ट टॉर्क टी एस एच। तो यहाँ पर हमारा जो है वह डीसी मोटर का टॉर्क इक्वेशन था उसका डेरिवेशन इंड होता है और जितने तरह का टॉर्क होता है सारे का वैल्यू को हम निकाल लिए। तो यह सेशन यहीं पर इंड होता है। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर तो लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर हमारे सेशन आपको अच्छा लगता है तो और भी स्टूडेंट जो भी आपके सहपाठी हैं भाई बंधु हैं उनको रेफर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।